या वेरियस कम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स जो एक फर्म या एक प्रोड्यूसर मुख्तफ कम्बिनेशंस देखता है सेम लेवल ऑफ आउटपुट को अटेन करने के लिए तो जितने वो कम्बिनेशंस लेगा उन तमाम कम्बिनेशंस में कीपिंग इन व्यू द प्राइस ऑफ द इनपुट्स उनकी एक लागत होगी तो छः कम्बिनेशन हैं या चार कम्बिनेशन हैं या पांच कम्बिनीशन हैं तो वो तमाम कम्बिनीशन ऑफ इनपुट्स जो हैं वो अपना एक मुकर करदा मखसूस लागत रखते होंगे तो जब हम उन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कम्बीशनस को जो एक ही लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हों उनकी मुकर्र करदा कीमतों के तहत जितनी लागत बन रही है उस लागत को अगर हम प्लॉट करें तो इसका मतलब है अगर छः कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हैं तो हमारे पास छः किस्म की कम्बिनेशन आने चाहिए कॉस्ट के तो वो छः कॉस्ट अगर हम एक्सप्लेन करें एक ही प्रोडक्शन सरफस के ऊपर या एक ही ग्राफ के ऊपर तो हम ये कहेंगे कि वो लाइन जो इनको ज्वाइन कर रही होगी या वो कर जिसके ऊपर ये छः के छः पॉइंट्स हों या चार पाँच जितने भी बनते हों तो इसका मतलब होगा कि वो लाइन वेरियस लेवल ऑफ इनपुट्स को यूटिलाइज करते हुए सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रही है एंड इसके ऊपर लागत ये आ रही है अब अगर हम देखें तो जिस तरह हमने आउटपुट के लिए फिक्स किया था कि वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट हो तो अब हम यहां ये भी कह सकते हैं कि यहां एंटरप्रेन्योर वो वेरियस कम्बिनेशन पिक करेगा जिसके लिए वो चाहता है कि उसकी कॉस्ट सेम रहे सो so, अब यहां पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा फर्क क्या आएगा कि यहां पे हम जिस तरह डुएलिटी के कॉन्सेप्ट को पहले भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हो सकता है एंटरप्रेन्योर आउटपुट मैक्सिमाइजेशन के बजाय वो चाह रहा हो कि मैंने अपनी इनपुट को फिक्स रखना है या मैंने अपनी कॉस्ट को फिक्स रखना है मैं नहीं चाहता कि मेरी लागत इससे ज़्यादा हो तो वो तमाम कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स वो लेगा जिसके ऊपर उसकी लागत सेम रहे अब अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों आती है बहुत हमने अपने जितने कॉन्सेप्ट प्रीवियसली पढ़े हैं उनमें हम मुकर करदा इनपुट की वजह से कितनी आउटपुट आती है मैक्सिमम आउटपुट आती है ऑप्टिमल आउटपुट आती है तो हमने उसको एफिशिएंसी से नोटेशन दी थी अगर हम कहें तो वो टेक्निकल एफिशिएंसी कहलाएगी लेकिन अब उसी मुकर करदा इनपुट और उसी मुकर करदा आउटपुट को जब हम प्राइसेस की शक्ल में लेके जाएंगे तो हम कहेंगे कि दैट विल बी द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो जब हमने इकोनॉमिक एफिशिएंसी की टर्म को प्रोडक्शन एनालिसिस में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें आइसो कॉस्ट और कॉस्ट की टर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसीलिए आइसो कॉस्ट लाइन वो लाइन या वो ग्राफ होगा जो रिप्रेजेंट करता है वेरियस कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जहाँ पे कॉस्ट सेम आएगी अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखें तो हम अगर कहें कि एक प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोड्यूसर है उसके पास वेरियस कम्बिनेशन है और वो उनकी मार्केट की प्राइस के तहत उनको देखता है अगर वो देखता है कि जो लेबर है उसकी उसको पाँच डॉलर पर यूनिट आ रहे हैं या रुपीस पाँच रुपये आ रहे हैं यहाँ चूंकि एग्जाम्पल हम आपके रेलिवेंट बुक से ले रहे हैं मैंने उसी को इस्तेमाल किया था तो उसी तरीके से अगर हम कहें जो मशीनरी या कैपिटल का यूनिट उसको तीन रुपए में पड़ रहा है तो अब हम देखते हैं कि उसने इन दोनों के कम्बिनेशन को जो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था तो इस्तेमाल करते हुए वो साठ डॉलर इस्तेमाल करता है और उससे अपना आउटपुट अचीव कर रहा है अब उस फर्म पे ये डिपेंड करता है कि वो अपनी टोटल आउटपुट को हासिल करते हुए चूंकि उसने साठ रुपये खर्च करने हैं तो वो साठ रुपये चाहे सिर्फ एक ही इनपुट पे खर्च कर ले वो चाहे तो ये साठ रुपये दोनों इनपुट्स पे खर्च करे और वो चाहे तो वो लेबर की बजाय यही साठ रुपए की लागत से सिर्फ और सिर्फ कैपिटल परचेज़ कर ले तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि वो इसी इनपुट की कॉस्ट के जो उसने एक फ़िक्स अमाउंट रख ली है उससे वेरियस कंबिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो परचेज़ करें अब अगर हम इन सब पॉइंट्स को लेके ड्रा करेंगे तो वो जो हमारे पास कर्व होगा दैट विल बी कॉल आइसो कॉस्ट कर्व और अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एक ग्राफ हमारे पास या लाइन ड्रा हो रही है दैट इज कॉल्ड आइसो कॉस्ट लाइन जिसके ऊपर पॉइंट बी है जिसके ऊपर पॉइंट सी है अब अगर हम देखें तो ये दो कम्बिनेशन हैं, जो एक प्रोड्यूसर के पास है जहां पे वो पॉइंट बी के ऊपर अपनी तमाम जो साठ डॉलर का जो उसके पास लागत है उसने सिर्फ और सिर्फ इस कैपिटल को परचेज करने में इस्तेमाल कर दी और उसी तरीके से अगर वो चाहे तो एक तीसरा कम्बिनेशन जो एक शक्ल में है कि वो उसी साठ डॉलर को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे यूनिट से सिर्फ लेबर को खरीदता है और उससे अपना आउटपुट प्रोड्यूस करता है और उसी तरह अगर वो चाहे तो एक कम्बिनेशन लेता है जिसमें वो कुछ यूनिट्स कैपिटल के ले लेता है और उसी तरीके से कुछ यूनिट वो अपने लेबर के लेके तो वो आउटपुट को प्रोड्यूस करता है लेकिन ये जो तीनों कम्बिनेशन है इनमें हो सकता है कि आउटपुट वेरी कर रहा हो यहाँ पे हम आउटपुट सेम नहीं रख रहे लेकिन वेरियस कम्बिनेशन हम वो ले रहे हैं जिस पे उसकी लागत या उसकी टोटल कॉस्ट सेम रहे तो ये वाली लाइन जिसके ऊपर जो भी कम्बिनेशन वो वेरियस फैक्टर्स के बनाए एंटरप्रेन्योर और उसकी कॉस्ट सेम रहे तो हम इसको कहेंगे कि ये उसकी आइसो कॉस्ट लाइन है अब इस कॉस्ट लाइन के राइट right साइड पे अगर हम मूव करें तो हम देखते हैं कि ये वो वाला पार्ट होगा जब हम कहेंगे कि उसका एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन हैज इंक्रीज। और अगर हमने उसकी डिक्लाइन को शो करना हो या डिक्रीज इन बजट को शो करना हो तो हम उसको लेफ्ट वर्ड की लाइन से ड्रा कर रहे होंगे और अगर हम अब इसकी स्लोप लें तो ये जीरो से ट्वेंटी तक कैपिटल के ऊपर है और उसी तरीके से ये एक्सिस वाली है अगर हम इस पर करें तो हम इसको बड़े वाजिया फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो है जिसमें यूनिट्स ऑफ कैपिटल हमारे पास आ रहे हैं तो यूनिट्स ऑफ कैपिटल की एक प्राइस होगी सपोज अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो यूनिट्स ऑफ कैपिटल हैं ये जो उसके पास टोटल कॉस्ट थी डिवाइड बाय उसकी जो हमारे पास प्राइस है ये उससे आ रहे हैं और जब हम इस यूनिट पे आते हैं जो लेबर है वो किस तरीके है जो उसके पास टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय वेज से कर लें तो हमारे पास इस फॉर्म में आते हैं और अगर अब हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हम कहेंगे कि सी डिवाइड बाय आर और इसकी स्लोप निकालें तो डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय डब्ल्यू तो सी डिवाइड बाय आर इट विल गिव अस दिस फॉर्म तो ये हमें W बाई आर जो है ये इसकी स्लोप मिल जाती है तो ये स्लोप में अगर हम देखें तो यहाँ भी यही शो हो रहा है कि दिस स्लोप एक्चुअली इट गिव्स अस अ रेशो मींस दैट इज द नेगेटिव ऑफ प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय द प्राइस ऑफ कैपिटल सो द स्लोप ऑफ आईसो कॉस्ट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशो ऑफ़ द इनवर्स प्राइस रेशो ऑफ द इनपुट्स अवेलेबल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस या जनरली अगर हम इसको कहें तो हम कहते हैं कि ये लेबर टू कैपिटल की प्राइस की फॉर्म में आइसो कॉस्ट लाइन हमें नजर आ रही होती